बट कीड़ा तो दिमाग में घुस ही चुका था, और घर आकर के मैंने उसके कुछ YouTube वीडियोस देखे कि शो आखिर दिखता कैसा है, एंड एक्चुअली वो अच्छा है। सो अब ये अगला वीकेंड है और इस वीकेंड पे आज हम वो शो देखने जा रहे हैं। Stay tuned। तो आइए चलते हैं लाल किले, वही जय हिंद लाइट शो देखने जो हमने लास्ट एपिसोड में नहीं देखा था। बच चुके थे और मैं उतना इंटरेस्टेड था नहीं, खासतौर पर प्राइस देख के, बट बाद में जब मैंने देखा यूट्यूब की वीडियोज़ वगैरह देखी तो आई वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दिस। हो गया, अभी टिकट को भी जा रहा हूँ। कौन सा था यार? ठीक है, पीछे म्यूजिक बज गया था। मुझे लगता है जिन्होंने शो का टिकट नहीं भी लिया ना, उनके लिए फ्री में मस्त इंतजाम है बाहर। एक्चुअली अच्छा है, लोग डांस वांस करने लग जाएंगे अभी वहाँ यार, एक्चुअली अच्छा। बट ठीक है, हमने 500 रुपये दिए, हम फ्री वाले नहीं, हम पैसे वाले में जा रहे हैं। कितना पे किया हमने? 500 500। वैसे टिकट 500, 1000 और 1500, तीन टिकट से पीछे मिड एंड सबसे आगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप इस शो के लिए टिकट डायरेक्टली विंडो से भी खरीद सकते हैं, बट मुझे अपनी सीट पोजीशन इंश्योर करनी थी इसलिए मैंने बुक माई शो से टिकट बुक किया। खुद को कार्टून बनाना चाह रहा हूँ इतनी भीड़ में फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बोल रहा हूँ, कैमरा को देख के बोलना चाह रहा हूँ, मैं अपनी झिझक निकालना चाह रहा हूँ, लोग देख रहे तो थोड़ा अजीब लगता है। हमारी एंट्री हो गई है, कर दी एंट्री से। यस, पहले वहीं ओपन से होती थी, बट अब यहाँ पीछे से घूम के आके यहाँ सिक्योरिटी चेक, देन लीजिए मेरी तरफ से ये 400 साल इस किले को। ये वही दिल्ली है जिसे 7 बार उजाड़ा और फिर बसाया गया। तोमर से लेकर मामलुक और सैयद से लेकर लोदी तक हर वंश ने दिल्ली से ही पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। कहा जाता है आज से 5000 साल पहले यहाँ से कुछ ही दूर पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ भी हुआ करती थी, और ये वही लाल किला है जो आज भी शान और गुरूर के साथ देश का तिरंगा लहराया जाता है। इस पॉइंट पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये हो क्या गया। वेल, हम भी यही सोच रहे थे। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये एक इंटरैक्टिव शो है जो 3 डिफरेंट स्पॉट्स पर दिखाया जाता है, तो बस सारी जनता अब पहले स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जा रही है। भागरी
अब शाहजहां भाई ने किले का इनॉग्रेशन तो कर दिया है, अब बारी है थर्ड स्पॉट पे जाने की, जहां पे हमें आगे की कहानी बताई जाएगी। अब तक शो जबरदस्त चल रहा था। मुगल इतिहास और उसके भरपाए जुल्मों को इतना अच्छा तो हमें हिस्ट्री बुक्स में भी नहीं बताया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी काल की ओर। और फिर अंग्रेजों ने लाल किले में चलाया पहला राजद्रोह का मुकदमा। कई शहजादों को फांसी दी, कई इनकलाबियों को मार गिराया। कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए दो गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए वपन परस्ती की अलग अलग आवाजें उठी। मुल्क में इनकलाब को एक नई दिशा मिली। 1941 में हिंदुस्तानियों ने आजादी की तरफ एक और कदम बढ़ाया और आजाद हिंद फौज का जन्म हुआ। सिपाहियों में से लगभग 23,000 शहीद हो गए। नीलगंज, मुल्तान, मद्रास और कई अन्य जगहों पर उन्हें कैद करके उन पर जुल्म ढाए गए। इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। जय हिंद। इट्स अ मस्ट वॉच भाई। मेरे को अब तक लिटरली अब तक गूज़बम्स आ रहे हैं। शानदार शो है, लेजर शो, साउंड और जो मतलब अमिताभ बच्चन का जो नरेशन है ना, जो बेस हैवी आवाज है, वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब इट्स एन एक्सपीरियंस टू हैव। जरूर देखना, जरूर। अमेजिंग चीज है भाई। तो श्वेता कैसा लगा शो? बहुत अच्छा, मजा आया ना। हाँ। मतलब वर्थ है 500 रुपए खर्च करना? बिल्कुल, है ना। 1500 भी। मतलब पहले तो मैं सोच रहा था कि क्या 500 रुपए देना, क्या 500 रुपए देना, बट एक्चुअली वर्थ इट। इवन श्वेता तुझसे बोल रही है कि 1500 वाला जो आगे वाला टिकट है वो भी ले लो। सच में मजा आया। एक्सपीरियंस टू हैव, जरूर देखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग कि मौसम जब थोड़ा ठीक हो ना उन्हीं टाइम्स में आना, क्योंकि बाहर होता है तो थोड़ी गर्मी वर्मी होती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंटरैक्टिव शो है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाके सीधा बैठ जाओगे चेयर पे और चलता रहेगा। नहीं, तीन लोकेशंस पे होता है। पहले एक जगह आपको बिठाते हैं, मतलब पहले एक जगह आपको खड़ा करते हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह ले जाते हैं और फिर वहाँ से तीसरी जगह ले जाते हैं। सो इट्स एन इंटरैक्टिव शो। अब लग रही है भूख,
मुझे बहुत तगड़ी भूख लग रही है, अभी हम देखते हैं कुछ है क्या आसपास कुछ खाने के लिए, चलो चलते हैं। भाई उधर तो अपने को कुछ समझ आया नहीं, सारे वही अल जवाहर सलीम वलीम वही सब आ रहे थे। हम आ गए अब अपने एरिया में क्रॉसकीकर मॉल। वेजिटेरियंस के लिए कम है ऑप्शन उधर ना, जो नॉनवेज खाता है उसके लिए तो वो जन्नत है दिल्ली से। सो हम अपने एरिया में क्रॉसकीकर मॉल आ गए। कहाँ आ रहे हैं? मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं हम लोग। और चाचा क्या हाल है? क्या हाल है चाचा? सब तो बढ़िया। भाई अपनी हो गई पेट पूजा, अब चलते हैं घर को, वीडियो करते हैं एंड। दिस इज इट, होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो भाई जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो क्या, दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। आइस क्यूब रह गई थी, ये तो जरूरी है। Cheers! Cheers!